हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका अपना चैनल आपकी स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज आप लोग को बैंक, एसएससी, रेलवे एंड अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में क्या सिलेबस है उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं सिलेबस क्या क्या है। सबसे पहले आपका आता है सिलेबस में नंबर सिस्टम, उसके बाद आता है संख्या पद्धति जिसको हिंदी में बोलते हैं एलसीएम एचसीएफ। आपको एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज, उसके बाद प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और आपका फिर टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, और एज एवरेज और पार्टनरशिप। आपको टोटल 15 चैप्टर अर्थमेटिक में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना है पढ़ना कैसे है। नंबर सिस्टम और एलसीएम एचसीएफ आपको एक साथ पढ़ाया जाएगा। परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस आपको एक साथ पढ़ाया जाएगा। आपको डिस्काउंट इसी में पढ़ा देंगे। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट तीनों एक साथ पढ़ाया जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको एक साथ पढ़ाया जाएगा। और आपको रेशियो, जो कि सबसे अलग चैप्टर है, इसको अभी छोड़ देते हैं, बाद में इसका चर्चा करेंगे। अब आते हैं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टर्न, आपको ये एक साथ पढ़ाया जाएगा। आपको टाइम एंड डिस्टेंस और बोट स्ट्रीम, ये दोनों चैप्टर एक साथ पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ एज, एवरेज और पार्टनरशिप, ये तीनों चैप्टर आपको एक साथ पढ़ाए जाएंगे। अब यहाँ बात करते हैं रेशियो का। रेशियो इसलिए छोड़े थे क्योंकि रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जो कि रेशियो पढ़ने के बाद आपका सारा चैप्टर, जितना अर्थमेटिक का पार्ट्स है 15 चैप्टर्स का, वो आपका सारा इसी मेथड से आपका हम यूज करेंगे और बताएंगे। इसलिए रेशियो को सबसे फर्स्ट में रखा जाता है, और इससे कैलकुलेशन क्या होता है, रेशियो पढ़ने से कैलकुलेशन इजी हो जाता है, जिससे सारा चैप्टर को बनाने में बहुत इजी वे में और कम कैलकुलेटिव में बना लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं एडवांस मैथ की। एडवांस मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है। एडवांस मैथ में आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है, एलजेब्रा पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, और डीआई पढ़ना है। आपको दोस्तों बैंक में आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं पूछा जाएगा, एलजेब्रा नहीं पूछा जाएगा, ज्योमेट्री भी नहीं पूछा जाता है, मेंसुरेशन भी नहीं पूछा जाता। आपको मात्र डीआई, आपको बैंक में 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा डीआई से, आपको डीआई पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आज इतना ही इस वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू और ऑल दी बेस्ट।